नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए सरकार नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करने जा रही है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वीप समूह के दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं। अंडमान निकोबार तटरक्षक बेड़े में दो अवरोधक जिलेयान शामिल किए गए हैं। नगर पालिका पार्षद श्रीमती शीला सिंह ने कहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा प्रतिभाएं सामाजिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं और एमवी निकोबार आज विशाखापट्टनम जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सरकार नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित कर निर्यात को बढ़ावा देना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि 2015 से 2020 की अवधि के लिए ये नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। इस नई नीति में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भागीदार देशों के साथ व्यापार को आसान बनाना और मुक्त व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेश व्यापार नीति में आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में दिशा निर्देश होते हैं। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से द्वीप समूह में कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में कुशल बनाना और राष्ट्र निर्माण तथा विकास प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में पिछले शनिवार को मायाबंदर और डिगलीपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेहरू युवा केंद्र रंगत की ओर से मायाबंदर के रामपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में रामपुर के ग्राम प्रधान सौ थॉमसन मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से महसूस कर सकेंगे। युवा केंद्र के समन्वयक अल्फोंस टोपो ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डिग्लीपुर में खंड स्तरीय कार्यक्रम कृष्णापुर के सामुदायिक सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डिग्लीपुर के खंड विकास अधिकारी ललिता दिग्गा मुख्य अतिथि थी। अपने संबोधन में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के महत्व और क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वीप समूह के 4 दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे आज दोपहर 12 बजे शोलबे में नव स्थापित भू भौतिकी वेधशाला का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कल सुबह 9 बजे मरीन रिक्रेशन क्लब में शिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे। कल ही सुबह 10:30 बजे उपराज्यपाल के साथ उनकी बैठक होगी। 1 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन टॉलीगंज के राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT और वृक्षाबाद के समुद्री जीव विज्ञान तथा आपदा प्रबंधन केंद्र का अवलोकन करेंगे। वे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 अप्रैल को मुख्य भूमि लौट जाएंगे।